चाहे बीजेपी की पार्टी हो, चाहे मायावती की हो, चाहे अखिलेश यादव की हो, चाहे मोदी जी की हो, चाहे योगी जी की हो, चाहे ममता बनर्जी की हो, मैं एक भारतीय नागरिक होने के साथ किसी पार्टी से ना कोई संबंध रखता हूँ। और मैं न्याय में विश्वास रखता हूँ। कोई पार्टी हो, जो लोग वो कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, तो उनको शर्म आनी चाहिए। मैं फिर कहता हूँ, क्या उनके बेटे के अगर ऐसे गर्दन काटी जाएगी जो राजनीति कर रहे हैं, तो भी वो राजनीति करेंगे? हमने आपको नीचे साजिद के जो है आपका दुकान जो है दिखाया है, और अब हम क्राइम सीन पर आ गए हैं। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि 7-8 सालों से एक व्यक्ति यहाँ रह रहा है, उसका दुकान है यहाँ पर, जहाँ पर सारे लोग जा रहे हैं। ऐसा कोई नहीं है जहाँ पर, नीचे भी हमने बात की कि वो जाकर वहाँ बाल नहीं कटवा रहे, उस तरह से वो सबके बाल बना रहा है, सारी चीज़ें कर रहा है, और अचानक से आकर इस तरीके से एक बड़े घटना को जो अगर आप देखेंगे कि अंजाम दे रहा है, किस तरीके से जो है निर्मम हत्या जो है कर दी गई है। और इस वक्त अगर आप देखेंगे तो सभी लोग जो है काफ़ी ज़्यादा दहशत में है, इस तरीके से जो है घर में घुसकर इस तरीके का एक काम जो है देखने के लिए मिला है। जिसके बाद से तो मेरे साथ साथ यहाँ पे काफ़ी सारे लोग और भी हैं जो यहाँ पर ये चीज़ जो है देखने के लिए आए, क्योंकि इन्हें भी शायद सुनकर भरोसा ही नहीं हो रहा होगा कि इस तरीके से किसी के घर में घुसकर किसी के छोटे छोटे बच्चे, 8 साल 12 साल के बच्चों को जो है टारगेट किया जा रहा है। यहाँ पर हमारे साथ एक और व्यक्ति भी मौजूद है जो यहाँ पर जो आए हुए हैं। सर, आपको कैसे पता चला इसके बारे में? हमारे लिए कल 8:15 पर फ़ोन इधर उधर से आए तो पता लगा, और हम भाग करके आए तो आते आते हमको 8:30 थी। तब यहाँ भारी पुलिस बल था और हम यहाँ आए, हमने बच्चे को देखा तो उस बच्चे की, दो बच्चे थे, हम एक ही देख पाए, हमें इतनी हिम्मत नहीं थी दूसरा बच्चा देख पाते। जो बड़ा बच्चा था उसकी यहाँ पर गर्दन कटी थी, लगभग 2 इंच का गर्दन में फासला था इस प्रकार से। इस और इस जघन्य अपराध की हम घोर निंदा करते हैं, इस जघन्य अपराध की हम घोर निंदा करते हैं। ऐसा कृत्य कोई कितना भी निर्लज हो वो भी नहीं करेगा जैसा ये किया। जो बच्चा पानी ला रहा है, सोचने की बात है भाइयों, जो बच्चा पानी आपको ला रहा है, उस बेशरम से ये पूछो वो पानी मांग रहा है, और बच्चा छोटा सा है, सबसे छोटा बच्चा जो लगभग 6-7 वर्ष का बताया जाता है, वो पानी लेके आया एक शीशे के गिलास में, और जब उसने देखा कि हमारे दो भाई यहाँ कटे मरे पड़े हैं, गर्दन कटी पड़ी है, तो गिलास दहशत में फेंका उसने। तो मैं ये पूछता हूँ कि भारतीय समाज से पूछता हूँ मैं कि हमारा भारतीय समाज विश्व में प्रसिद्ध है शालीनता के लिए, सभ्यता के लिए, शिष्टाचार के लिए, हम पूजे जाते हैं पूरे विश्व में। अगर कहीं शिष्टाचार सभ्यता है तो हमारे भारत में है, हमारे यहाँ नियम धर्म चलता है। हम लोग गंगा को मानते हैं, हम धर्म अधर्म को मानते हैं, नीति अन्याय को हम दूर रखते हैं, नीति के कर उस पर चलते हैं। वहाँ एक नाई जहाँ वो बच्चा बाल कटवाने जाया करता था, और वो बता रहा था, छोटा बच्चा जो 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 मझला बच्चा बचा है, वो कह रहा था कि मैं बाल कटाने जाता हूँ। मैंने आप लोगों को जो इंटरव्यू था उसमें उसका सुना है, बच्चे को, बच्चा कह रहा है मैं उसे भैया जी कहता था, भैया जी मेरी कटिंग कर दीजिए। और वो यहाँ आता है और वो कहता है आकर के यहाँ, जैसा मैंने सुना है मीडिया के माध्यम से और उन लोगों के इंटरव्यू से, कि वो कहता है कि मेरी बीबी जिला अस्पताल में वो क्या कहते हैं डिलीवरी में है, और उसकी हालत नाजुक है, इतनी नाजुक है कि मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं आपसे हाथ जोड़ के मदद मांगने आया हूँ, मेरी आप मदद कर देंगी। लड़के की माँ से बच्चों की माँ से कहा, मदद कर दोगे तो मेरी बीबी बच जाएगी। उसने ये भी कहा था मेरे कई बच्चे ख़त्म भी हो चुके हैं, ये डिलीवरी है, हाँ पुरानी उसने कहानी सुनाई। और वो लड़के की माँ दयावान बनती है, और उसने कहा कि मुझे 5,000 रुपये चाहिए, बच्चों का बाप यहाँ नहीं है, वो इधर काफ़ी दूर खीरी लखीमपुर की तरफ सुना जाता है, कहीं टंकी का जो ठेकेदार है वहाँ था, ठीक है भैया। अब उसकी बच्चों की माँ ने फ़ोन लगाया है बच्चे के बाप को, और कहा है कि वो सामने वाला जो नाई है जिसका नाम साजिद, वो आए हुए हैं, और वो अपनी बीवी को बता रहे हैं कि गंभीर स्थिति में डिलीवरी केस में है, और वो हमसे मदद मांग रहे हैं। उन्हें कितना मांग रहे हैं? उन्हें 5,000। तो उसने, वो बीवी बता रही है कि वो बच्चों की माँ
कि उसने कहा उसके बाप ने, बच्चों के बाप ने, कि दे दो, ना मालूम कितनी मुसीबत है, उसकी बीवी बच जाए तो इसमें क्या है, आज नहीं तो देर बेर पैसा हमारे वापस ही कर देगा, फिर इंसान इंसान के काम आता है, वो लड़कों का बाप कह रहा है, और उसको 5,000 रुपये दे दिए जाते हैं भाई, 5,000 रुपये दे दिए जाते हैं, उसके बाद वो अपनी समस्या बताता है, तो वो लड़के की दादी या लड़के की बच्चों की माँ कहती हैं चलो बहू बना ला वो चाय, और भैया चाय भी पी लो, तुम दुख दर्द में हो। अब देखिए वो चाय, और सुना यहाँ तक जाता है शायद कोई बच्चा चाय लेके आया भी, चाय भी पी, दूसरा एक बच्चा पानी लेके आया। आप सोचो आपकी बीवी की जान बचाने के लिए 5,000 रुपये दे रहा है कोई व्यक्ति, कोई जान न पहचान, कोई रिश्तेदार थोड़े थे, और चाय भी तुम पी रहे हो। तो मैं सोचता हूँ कि क्या संसार में इतने गले गिरे हुए हमारे भारत में लोग पैदा हो गए हैं कि जो व्यक्ति हमारी बीवी के प्राण बचाने के लिए 5,000 रुपये की मदद दे रहा है बिना किसी रिश्तेदारी के, बिना किसी उसके, भाइयों एक नाई है, साधारण सा नाई है, कोई रिश्तेदार नहीं, कुछ नहीं, और उसको वो चाय बना रही है वो बच्चे की माँ, जो छोटा बच्चा पानी ला रहा है, अमृत ला रहा है पिलाने के लिए, और वो क्या कर रहा है, बच्चों को किसी बहाने ऊपर लाता है, और बेदर्दी से उन बच्चों का निर्दयता के साथ गला काटता है। सोचो हमारे आपके भी औलाद है, ऐसा कोई हम में से आप में से नहीं है भाइयों, आज उनके बच्चे की गर्दन कटी है मेरे प्यारे भाइयों, अगर आप लोग नहीं जागे और इस कृत्य का निंदा नहीं करते हैं आप लोग, मैं पूरे भारतवर्ष से कहना चाहता हूँ, अपने भारतवर्ष के प्रत्येक इंसान से कहना चाहता हूँ कि अगर हम लोग नहीं जागेंगे तो आज तो इनके बच्चों का गर्दन कटी है, कल को हमारे बच्चों की गर्दन। सो बहन जी और पत्रकार महोदय, मैं इस कृत्य की घोर निंदा करता हूँ, जितना करना चाहिए जितना मैं कर सकता हूँ कहीं ज़्यादा घोर निंदा का कार्य है। अब आप देखिए ना दर्द हुआ होगा, और जरा सीने पर हाथ रखें, आप भी बहन जी रखो, बिटिया आप भी रखो, और आप लोग भी रखो मेरे प्यारे भाइयों, और जरा भगवान का नाम लेके, अल्लाह का नाम लेके सोचिए कि आपके बेटे की गर्दन काटी जाए तो क्या हाल होगा। इनके सुना जाता है कि 3 बच्चे हैं, थे अब नहीं हैं, और बड़े ऑपरेशन से मैंने सुना इनके बच्चे पैदा हुए हैं, बड़े ऑपरेशन से मेरी बेटी 3 ही बच्चे पैदा होते हैं, उसके बाद खतरे वाली बात होती है, तो अब इनके आगे भी बच्चे नहीं हो सकते हैं। अब उसका प्लान 3 बच्चों को मारने का था, अगर सोचो यदि 3 खत्म हो जाते मेरे प्यारे भाइयों तो उनका तो परिवार का दिया गुल हो गया था, उनके तो कोई पानी देने वाला होता ही नहीं, ये तो ऊपर वाले की कृपा है कि वो बच्चा भाग गया और बच गया मेरी बहना, अन्यथा तो वो उसकी भी जान जाती। सरकार से क्या मांग है ऐसे क्राइम के बाद? देखो बेटा हमारी मांग ये है कि जो अपराधी है वो मेरा सगा बाप हो, मेरा भाई हो, मेरा बेटा हो, मेरी माँ हो, चाहे मेरी बहन हो, उसको सख्त से सख्त सजा दी जाए और न्याय मिलना चाहिए इस परिवार को, बस हमारी यही मांग है। और गुनहगार को मेरी बेटी अगर दया करोगे, बख्शोगे और उसे कानून के शिकंजे में न्याय नहीं दोगे, उसके साथ उसको उसकी सजा नहीं मिलेगी, तो ऐसे कृत्य बहन जी आप इंटरव्यू लेते रहिए और हम लोग देते रहेंगे, और ये कृत्य होते रहेंगे जब तक हम समस्त हिंदुस्तानी लोग जो हैं इसकी भर्त्सना नहीं करते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, हम आपसे अनुरोध करते हैं कि इन बहन जी के सामने आप लोग भी घोर निंदा कीजिए और सरकार से मांग कीजिए कि कानून के तहत उन्हें सख्त से सख्त सजा मिले गुनहगारों को, और ऐसी घटना दोबारा ना घटे, इसलिए सरकार को इस पर ठोस कदम उठाना चाहिए। सर एक आखिरी सवाल, हाँ। जिस तरीके से एक इतना विभत्स क्राइम हुआ है, हाँ। और इसके बाद भी इस मामले पर अब राजनीति भी देखने के लिए मिल रही है, कुछ ऐसे नेता है जो इस पर बयानबाजी भी कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी के भी एक नेता, उनका कहना है कि बीजेपी ये सारी चीज़ें जो है करवाती है चुनाव से पहले, क्या कहेंगे ऐसे मामले पर भी, क्या राजनीति होनी चाहिए? देखो बेटी, चाहे बीजेपी की पार्टी हो, चाहे मायावती की हो, चाहे अखिलेश यादव की हो, चाहे मोदी जी की हो, चाहे योगी जी की हो, चाहे ममता बनर्जी की हो, मैं एक भारतीय नागरिक होने के साथ किसी पार्टी से ना कोई संबंध रखता हूँ, और मैं न्याय में विश्वास रखता हूँ। कोई पार्टी हो, जो लोग वो कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, तो उनको शर्म आनी चाहिए। मैं फिर कहता हूँ, क्या उनके बेटे के अगर ऐसे गर्दन काटी जाएगी जो राजनीति कर रहे हैं, तो भी वो राजनीति करेंगे? नहीं करेंगे। पता तब लगता है इंसान को जब खुद पर बीतती है। बेटा मेरी गुड़िया, जब खुद का बहन भाई बेटा
इस स्थिति में खत्म होगा, गर्दन कटेगी उस दिन नेताओं को और हमको तुमको सबको, तब पता लगेगा। लेकिन हाँ, लेकिन मेरी बेटी जो इंसान हैं, जिनके अंदर इंसानियत है और जो भगवान को मानते हैं और धर्म अधर्म को मानते हैं और सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं, सच्चे भारतीय हैं, तो मेरी बेटी इस घोर जघन्य अपराध की घोर निंदा करेंगे और उनको सज़ा मिलनी चाहिए। राजनीति नहीं करना चाहिए, लेकिन सज़ा ईमानदारी के साथ मिलना चाहिए। मैं तो यही बात कहूँगा कि किसी को गलत सज़ा नहीं मिलना चाहिए, ईमानदारी के साथ जो गुनहगार है उसे सज़ा मिलना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।